एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये एंगेजियन मेकअप लुक है, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है पार्वती जी, उनके कहने पर मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, और जो मेरी सब्सक्राइबर है जिनके कहने पर मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया उन्हें अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बहुत दिन से बोल रही थी गाइस, बट हमारे पास सामान नहीं रहता। एक लुक को क्रिएट करने में हमें काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तो आप लोगों का एक लाइक तो बनता ही नहीं। आप लोग एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी डिफरेंट लगे, कुछ भी कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं माइंड नहीं लूँगी। हाँ, आगे से कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने की, सुधारने की, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, कमेंट कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके कहने पर मेकअप लुक क्रिएट करते हैं ना, तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स सब में शेयर कीजिए। प्लीज़, आपके लिए हम इतना करते हैं तो हमारे लिए आप इतना कर सकते हो ना, ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना क्या यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते। चले चलिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्किन रूटीन ज़रूरी है फॉलो करना है ना, तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं। इसको हम अपने स्किन में अच्छे से पुश कर लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप चाहें तो थोड़ी देर इस तरह से करके छोड़ दीजिए, वो खुद ही पुश हो जाएगा अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है। के बाद हम ले रहे हैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर, जो बजट में है, 150 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं बाय करना चाहते हो तो कोई सस्ता सा देख कर ले लीजिए, बहुत सारे मॉइस्चराइजर आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। के बाद मैं लगाने जा रही हूँ VLCC का सीरम, जो आपको पता ही बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा सा ये महंगा है। ये आपको 450 का मार्केट में मिलेगा, बट अगर आप चाहोगे तो आप ऑफर के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो, वरना मैं गुड वाइब्स की लिंक भी दे दूंगी, वो काफी बजट में है, 150 में आपको आराम से मिल जाता है। सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि स्किन वाइटनिंग सीरम है ये, तो एंगेजमेंट मेकअप है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वाइटनिंग ग्लोइंग तो चाहिए 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 ना, तो इसलिए अगर आप गुड वाइब्स का लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे आपकी फेस पे ग्लो आता है। बट वो वाइटनिंग सीरम नहीं है, ये वाइटनिंग सीरम है इसलिए मैंने इसे यूज किया। मैं एक ब्रश के से ब्लेंड कर लूंगी। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं लगा लूंगी थोड़ा सा पाउडर कॉम्पैक्ट। मैं लूंगी विल्टन व्हाइट का आई शेडो पैलेट, जो काफी ज्यादा अच्छा है, उसमें से मैं ये वाला ट्रांजिशन सेट पिक कर रही हूँ, जहां पे मैंने फिंगर रखा हुआ है, ये वाला सेट मैं पिक कर रही हूँ जहां पे मैंने फिंगर रखा हुआ है। इसको अच्छे से ही ब्लेंड कर लेंगे, और जब तक मैं ब्लेंड करूंगी जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाता। और ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगी, अगर आप बिगनर है तो आपके लिए बेस्ट है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। वाला ब्राउन्स, ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ, ये देखिए। आपको जब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको आपका कलर ना मिल जाए। ये इतना अच्छा है ना कि आप एक बार लोगे ना तो इसके फैन हो जाओगे। मोर्फी का हील पैलेट में से, अरे यार क्या हो रहा है, मोर्फी का हील पैलेट में से मैं ये वाला सेट पिक करूंगी, इससे आउटर कॉर्नर पे मैं ब्लेंड करूंगी। के बाद मैं लूंगी ग्लिटर आई शैडो, जो बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से।
बहुत ही अच्छा आई शैडो है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी ये। क्योंकि आपको इसमें ब्लेंडिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं लगाने जा रही एनवाईबी का आईलाइनर, जो बजट में है, 50 में आपको आराम से मिल जाएगा, और इससे सस्ता आपको लाइनर 50 में नहीं मिलने वाला है कोई भी ब्रांड का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा लाइनर इसलिए लगाती क्योंकि फॉल्सेस लगाती हूँ, पलके लगाती हूँ तो वो नहीं दिखती है, इसलिए थोड़ा सा मोटा आप जब भी लगाइएगा अगर आपको फॉल्सेस लगानी हो। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर, प्राइमर के लिए मैं सॉरी प्राइमर के लिए मैं लूंगी विल्टन वाइट का फोटो फोकस प्राइमर, अब ब्लू हेवन का प्राइमर, दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, और ब्लू हेवन प्राइमर बजट में है, सिलिकॉन बेस में है, विल्टन वाइट का फोटो फोकस प्राइमर, क्या बोल रही, विल्टन वाइट का फोटो फोकस प्राइमर ग्लॉसी मेकअप के लुक क्या बोल रही, ग्लॉसी मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है, दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर लेना है। इससे आपके फेस पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो देखने को मिलता है। प्राइमर के बाद मैं लगाऊंगी ग्लो एंड ब्यूटीफुल हाइलाइटर, का भी काम करता है, मेकअप बेस का भी काम करता है, बहुत ही अच्छा है। और इतना सा लेके अपने पूरे फेस पे, थोड़ा सा मैंने आज ज्यादा लिया, ये देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ गया मेरे पूरे फेस पे, बहुत ही ज्यादा। मेकअप है तो फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं लूंगी विल्टन वाइट का मेगा फाउंडेशन। मेरा शेड है SPF 15, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मैं आपको फुल रिकमेंडेड करूंगी कि आप इसे ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा। इसकी पैकेजिंग आप देखिए, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, इसको मैं बहुत दिन से यूज करती हूँ, पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो पर्सनली मैं इसे मेबेलिन फिट मी दो फाउंडेशन मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगी। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव चाहिए तो मैं आपको बोलूंगी एलेगल का यूज कर सकते हो। तो चलिए, मैं चाहती हूँ ना कि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हो, कोई क्या यार, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हो तो उसमें मैं सोचती हूँ कि मिरर जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से हम मिरर लें और एक हाथ से हमको मेकअप करना पड़ता है। और जो विगनर है ना, जिसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही अच्छा, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस है। आप देख रहे हैं, ओ माय गॉड, कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा ना फेस। अब ठीक है, टाक वाला मेकअप जब मैं हेयर को बांध लेती हूँ ना, जब होता है, फाउंडेशन लग चुका है और मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए यहाँ पे लगाऊंगी लैक्मे का फेस पाउडर, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ये मुझे काफी पसंद आता है। तो आपको पता है ग्लोई मेकअप है तो पाउडर तो मैं ज्यादा लगाऊंगी नहीं। लूंगी मोर्फी का ही पैलेट, इसमें से मैं ये वाला ब्राउन शेड पिक करूंगी, ये वाला,
करूंगी अपने फेस नोज को कॉन्टोर, NYBA का कॉन्टोरिंग है, मेरा शेड है 7 NYBA का। थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी मैं, मेरा शेड है 3 गोल्डन 3। पहले इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी कंसीलर को। लगाएंगे अपने पूरे फेस पे ब्लशर, पूरे फेस पे नहीं ब्लशर लगाऊंगी चिक। मोर्फी का सॉरी अब मैं लगाऊंगी शीज ब्यूटी का हाइलाइटर जो मेरा फेवरेट है सभी पहले। मैं भूल गई हूँ अपना आई मेकअप कंप्लीट करना, काजल वगैरह मैं लगा ही नहीं, फेस मेकअप में इतना ज्यादा हमने लगाया था आईलेट पे अपने ये वाला शेड, तो हम सबसे पहले वही वाला शेड लगाएंगे ये वाला, फिर इसके बाद हम लेंगे ये वाला शेड। काजल की बारी, तो चलिए हम काजल लगा लेते हैं अपना। काजल के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे का काजल। इसके बाद मैं ले रही हूँ वही सेम ग्लिटर, आई ग्लिटर, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा लूंगी। आधे में लगाना आपको बस। लिपस्टिक के लिए ले रही हूं मैं मैट, इसका ये प्रिंट निकल गया तो मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं लिंक दे दूंगी। जैसा इस पे कलर दिख रहा वैसा नहीं है, अभी थोड़ी सी जब मैं लाइट लगाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो लाइट लग चुकी है और इसका कलर सेम दिख रहा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। बल्ब फ्यूज हो गया था तो मुझे मंगाना पड़ा, तो ये फॉल्सिस में ले रही हूँ। तो पहले ग्लू लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंडी है तो इतनी जल्दी भी ये नहीं सूखता है। मेरा पूरा फाइनल लुक, इंगेजमेंट मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये मैंने जो ज्वेलरी पहन रखी है क्लब फैक्ट्री की है, ड्रेस क्लब फैक्ट्री की है। टीका मैंने मिंत्रा से लिया था, यानी एयरिंग्स थी, मैंने इसे टीका बना के पहन लिया। और सारी चीज़ें मैं क्या यार, सारी चीज़ें जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है यार, क्या बोल रही, जो सारा मैंने प्रोडक्ट लगाया सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और ज्वेलरी हो सकता है आपको ना मिले क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बट ये मैंने 1400 में लिया था, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और देख लीजिएगा आप, हो सकता आ चुकी हो, बट बीच में मैंने देखा था तो ये नहीं थी। और टीके की लिंक यानी इयरिंग की लिंक मैं डाल दूंगी। और मेकअप कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आप कोई और मेकअप लुक देखना होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। हमें एक लुक क्रिएट करने में बहुत मेहनत पड़ती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हम पर भी आप लोग ध्यान दे दिया करिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर ली, अब चलती हूँ, कल फिर मिलती अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय। वीडियो